नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। जम्मू कश्मीर में शनिवार को 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद सेना के जवानों ने जमकर जश्न मनाया। जश्न के दौरान जवानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। समाचार एजेंसी ANI ने सैनिकों के इस जश्न का वीडियो जारी किया है, जिसमें पीछे कुछ स्थानीय नागरिक भी खड़े नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद सैनिकों ने जश्न मनाया। बता दें कि घाटी के रामबन जिले में सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें दोपहर सेना को कामयाबी मिली। हालांकि इस मुठभेड़ में एक भारतीय जवान भी शहीद हो गया। बता दें कि घाटी के रामबन जिले में सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें दोपहर बाद सेना को कामयाबी मिली। हालांकि इस मुठभेड़ में एक भारतीय जवान भी शहीद हो गया था। जानकारी के अनुसार शनिवार को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 3 जगहों पर हमला बोला, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आतंकवादियों ने पहले डाउनटाउन में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन उसमें किसी को चोट नहीं आई है। इसके बाद 3 आतंकी फरार होकर रामबन जिले के बटोत इलाके में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक घर में बुजुर्ग शख्स को बंधक बना लिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। इसके अलावा बंधक बनाए गए शख्स विजय कुमार को भी आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिया गया। दूसरी ओर गंदरबल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। दूसरी ओर जिला पठानकोट में हाई अलर्ट को देखते हुए किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सभी इमरजेंसी सेवाओं को तुरंत मुहैया कराने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी प्रशासन द्वारा लगाई गई है। साथ ही अलग अलग इमरजेंसी सेवाओं के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई है। इंटरस्टेट नाकों और संवेदनशील चौराहों पर पुलिस फोर्स के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई हैं। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।